जैन दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस एसआई की भर्ती के बारे में। तो आप सभी वेट कर रहे होंगे कि यूपी पुलिस एसआई की जो भर्ती होगी इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा और 5000 से अधिक पदों पर होने वाली भर्ती के बारे में पूरी सूचना कब तक प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आप सभी को बताते चले कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जल्द होगी दरोगा भर्ती। आज की ही अपडेट बता रहा हूँ, यानी 12/11/2019 की जानकारी आप सभी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। भर्ती बोर्ड को उप निरीक्षक के 5000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती का अधिचयन हासिल हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, सरकार की तरफ से भर्ती बोर्ड को ये क्लियर हो चुका है कि 5000 पदों पर उन्हें कम से कम भर्ती करानी है और यहाँ पे उसका जो अधिचयन है वो उन्हें प्राप्त हो चुका है। आगे बात करें उप निरीक्षक की सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कार्यदायी संस्था की तलाश शुरू कर दी है। तो आप सभी को बता दूं कि आपकी जो भर्ती होगी, आपके जो एग्जाम होगा, उसके लिए एक पहले से एक संस्था ढूंढी जाती है, मतलब जो कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उसी के लिए उस संस्था की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई है। बहुत जल्दी जैसे ही कोई कंफर्म होगा कि कौन सी संस्था आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उसी के साथ ही जो आपका नोटिफिकेशन होगा उसे जारी कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपकी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करा ली जाएंगी, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगकर बहुत जल्दी लगभग विद इन 2 मंथ्स आपका जो एग्जाम होगा वो भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो देखिए, एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप यूपीएसआई ज्वाइन करना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर आपको अभी से अपने बैचेस स्टार्ट रखने पड़ेंगे, अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद हम उसकी तैयारी करेंगे या रिटर्न एग्जाम की डेट घोषित होने के बाद हम तैयारी करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी पुलिस में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम कब होगा ये भी कंफर्म नहीं होता और कब हो जाए कुछ पता नहीं होता कि कितनी फास्ट हो जाए या कितना डिले हो जाए। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म मांगने के लगभग 2 महीने बाद ही करा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम होगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी जो कहा जा रहा था कि दिसंबर में आपकी भर्ती कंडक्ट करवा दी जाएगी, लेकिन अभी आप सभी को बता दूं नवंबर चल रहा है लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उसके साथ ही आपको रीजन भी पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां फंसी हुई थी, 2013 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 49568 का जो परिणाम होगा वो भी बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इसके यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमसे लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।